हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आयुष गौर, ऑल इंडिया रैंक 2619, नीट यूजी 2022, एंड हेयर वी आर अगेन हेयर टू सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम नीट यूजी 2022, सॉरी नीट यूजी 2016. द क्वेश्चन सेज, सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एल मीटर लॉन्ग. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन ने हार्मोनिक ना देकर ओवरटोन्स दी. क्वेश्चन हैज नॉट डायरेक्टली गिवन हार्मोनिक्स, इट हैज गिवन ओवरटोन्स. सो वी हैव फर्स्ट कन्वर्ट ओवरटोन्स इनटू हार्मोनिक्स. ये एक स्टेप बढ़ गया, दैट्स वाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया. सिली मिस्टेक ये हो सकती है कि अपन ओवरटोन्स को ना पढ़ के अपन हार्मोनिक्स ही पढ़ जाएं और अपन उसको उस हिसाब से सॉल्व करें, तो टोटली गलत हो जाएगा क्वेश्चन. अपने को ओवरटोन्स को हार्मोनिक्स में कन्वर्ट करना है. अब ओवरटोन्स को हार्मोनिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं. उन फॉर्मूले को अपन डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद ही रखने हैं, और कोई तीसरी चॉइस है, दूसरी चॉइस है ही नहीं अपने पास. अपने को याद ही रखने हैं, ठीक है. दूसरा चॉइस ये हो सकता है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका डेरिवेशन दे दूँ, ताकि कई लोगों को ये ना लगे कि भाई बस फॉर्मूला बता दिया एंड बाकी कुछ बताया नहीं. डेरिवेशन किसी काम का नहीं है नीट में. आपको अपना टाइम बचाना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप का सेकंड ओवरटोन दे रखा है अपने को. सो ये मैंने लिख दिया ओपन ऑर्गन पाइप सेकंड ओवरटोन. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ तक ठीक है. और इसमें दे रखा है द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एल मीटर लॉन्ग. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का अपने को लेंथ गिवन है और पूछा क्या है, लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप विल बी. ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या होगी. सो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन है, ओपन ऑर्गन पाइप का सेकेंड ओवरटोन है. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ एल गिवन है, ये रही. और ओपन ऑर्गन पाइप की अपने को लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो अपने को ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप के जो ओवरटोन्स हैं उनको हार्मोनिक में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले अपन ये सीखते हैं. अपने पास पहले है ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है. ओपन ऑर्गन पाइप का यदि अपने को nth ओवरटोन गिवन है तो उसका हार्मोनिक क्या होगा, n प्लस वन. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. आप चाहें तो मैं इसका डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, पर ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. ओपन ऑर्गन पाइप के लिए n प्लस वन हार्मोनिक हो जाएगा. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए nth ओवरटोन इज 2n प्लस वन हार्मोनिक. 2n प्लस वन हार्मोनिक. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा. ओपन ऑर्गन पाइप में सेकंड ओवरटोन है तो n की वैल्यू यहां पे 2 है, तो हार्मोनिक कौन सा हो जाएगा, 2 प्लस 1, यानी कि थर्ड हार्मोनिक, ठीक है. और क्लोज ऑर्गन पाइप में nth ओवरटोन, n की वैल्यू क्या है, 1. यहाँ पे हार्मोनिक कौन सा आ जाएगा, 2 1 प्लस 1, यानी कि थर्ड हार्मोनिक यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी थर्ड हार्मोनिक, यहाँ पे भी थर्ड हार्मोनिक. ओपन ऑर्गन पाइप का nth हार्मोनिक क्या होता है, nv/2l. nth हार्मोनिक यही होता है ना, वेयर दिस फॉर्मूला इज फॉर फ्रीक्वेंसी. सॉरी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है. यहाँ पे हार्मोनिक कौन सा है, थर्ड हार्मोनिक, तो ये हो जाएगा 3v/2. ये ओपन ऑर्गन पाइप है, इसकी लेंथ में मैं स्मॉल एल ले लेता हूँ, ठीक है. ये हो गई न्यू ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है. क्लोज ऑर्गन पाइप पे आ जाओ, इसका थर्ड हार्मोनिक क्या होता है, 3v/4l, और l यहाँ पे कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में. ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया. क्वेश्चन में गिवन है
दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूँ. सो 3v/2l, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑब्वियसली, इज इक्वल टू 3v/4 कैपिटल L. 3v कैंसिल, 2 2's of 4. सो स्मॉल L इज इक्वल टू 2 times of capital L. दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप. सो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा अपना, 2L, ये फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा. एंड इफ यू इंसिस्ट कि मैं आपको प्रॉपर डेरिवेशन दूं कि ये N+1 हार्मोनिक कैसे आया ओपन ऑर्गन पाइप के लिए और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए 2N+1 हार्मोनिक क्या आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता ही रहा हूँ आपको. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल द क्वेश्चन. इफ यू अंडरस्टैंड वेल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.